हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लेकर आ गया हूँ इंग्लिश का पार्ट फोर वीडियो लेकर के। पार्ट थ्री इससे पहले मैंने अपलोड किया जिसमें मैंने शुरुआती ज्ञान बेसिक चीजें आपको बताया है, इंग्लिश की जड़ क्या होती है, जड़ से मैंने आपको कुछ जानकारियां दी है, कुछ बेसिक चीजों को बताया, जिसके अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस के क्या पार्ट हो सकते हैं, सेंटेंस किन भागों से मिलकर बना होता है। साथ ही साथ सेंटेंस के बाद मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस दो पार्ट में होता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। उसके बाद मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट के पार्ट और प्रेडिकेट के भी पार्ट। तो उन्हीं चीजों पर आज मैं एक्सरसाइज लेकर आया हूँ, आपकी एक्सरसाइज 50+ एक्सरसाइज में आज करवाने वाला हूँ आपको। तो एक एक करके मैं बताऊंगा आपको हर चीज के बारे में। तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि जो एक्सरसाइज कराने चले उसमें मैं केवल आपको सब्जेक्ट के जो पार्ट होते हैं उन्हीं का मैं फैक्टर करूंगा, वो कौन कौन से हैं सब्जेक्ट के पार्ट, इन्हीं का मैं एक्सरसाइज पहले करने वाला हूं। उसके बाद हम प्रेडिकेट पर भी ध्यान देंगे, लेकिन सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, हम सब्जेक्ट पर ध्यान देंगे। तो आइए वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। तो आपके सामने दिख रहा होगा ये सेंटेंस लिखा हुआ, 10 सेंटेंस मैंने लिख दिया है एक्सरसाइज से, मैंने आप ये नोट किया है जो कि अधिकतर एग्जाम्स में पूछे भी गए हैं। तो इसके अंतर्गत आपको ये बताना है कि सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट है, प्रेडिकेट कौन है, और सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अलग करने के बाद आपको ये करना है कि सब्जेक्ट का भाग कौन कौन सा है, कौन डिटरमाइनर है, कौन आपका एडजेक्टिव है, कौन आपका हेडवर्ड है, कौन एडजेक्टिवल फ्रेज है, इन चीजों के बारे में आपको अलग अलग बताना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, अगर आपको आ रहा हो तो आप इसको पहले से कीजिए, और इससे पहले जिनको नहीं आ रहा वो वीडियो को बहुत अच्छी तरीके से देखें, एक ही चीज में आपको समझाने वाला हूं। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं पहले सेंटेंस की। लिख रहे हैं कि दैट वुमन रन्स, वह महिला दौड़ती है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर लेंगे। याद होगा आपको तो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि जहां से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो, प्राथमिकता किसको देते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो किसको प्राथमिकता देंगे, मेन वर्ब को। तो जहां से हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट होता है या जहां से क्या स्टार्ट हो जाता है, आपका मेन वर्ब स्टार्ट हो जाता है, उसके बाद का उसको लेकर के सारा भाग क्या होता है, प्रेडिकेट। तो यहां आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रहा तो हम किस पे जोड़ लेंगे, मेन वर्ब पे। तो मेन वर्ब आपका क्या है, रन सकता, दौड़ना, उठना, बैठना, ये सब क्या है, ये आपका प्रेडिकेट होगा। ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। अब इसके बाद देखिए, ध्यान आप दे रहे होंगे कि दैट वुमन, ये आपका इसके बाद, तो मैंने बताया था कि प्रेडिकेट के बाद का जो आपका भाग बचेगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। तो ये आपका क्या होगा, दैट वुमन, ये पूरा आपका मिला करके क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। हमको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें सब्जेक्ट का कौन कौन सा भाग है। तो दो चीजें इसमें, एक दैट है और एक क्या है, वुमन। तो मैं आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूं, मैंने बताया था कि डिटरमाइनर जो होते हैं वो चार प्रकार के हो सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया था डेमोन्स्ट्रेटिव हो सकता है, जो संकेत करते हैं, दिस दैट दोस दीज, ये सब क्या है आपके, डिटरमाइनर है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि पोसेसिव हो सकते हैं, पोसेसिव क्या होते हैं, जैसे जो कि अधिकार प्रकट करे, जैसे हो गया हिज, हो गया हर, हो गया माई, हो गया डियर, हो गया, ये सब क्या पोसेसिव केस जो होते हैं, वो भी आपके किसके अंतर्गत आते हैं, डिटरमाइनर्स के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद मैंने आपको बताया था आर्टिकल्स के बारे में, आर्टिकल्स में क्या होता है, ए, एन और द, ये तीन चीजें, ये तीन चीजें अगर सब्जेक्ट में आती है तो बच्चों क्या होंगी, वो आपके डिटरमाइनर्स होंगी। और अगला मैंने और लास्ट बताया था क्वांटिफायर, क्वांटिफायर का मतलब क्या, जो मात्रा बताए, क्वांटिटी से ये शब्द मिलकर बना हुआ है, तो जो मात्रा बताए वो आपका क्या होगा, वही आपका होगा क्या, आपका क्वांटिफायर होगा, अर्थात डिटरमाइनर्स में होगा। डिटरमाइनर में कौन सा डिटरमाइनर, क्वांटिफायर डिटरमाइनर, से सम हो गया, मैनी हो गया, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया, फोर हो गया, यानी कि बहुत सारी चीजें जो कि मात्रा को बताती है वो सारी किसमें आएंगी, डिटरमाइनर के अंतर्गत ही आएंगी। दूसरा मैंने आपको बताया था कि जिसके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट ना हो, जिसको हटा देने से, सब्जेक्ट के जिस भाग को हटा देने से वाक्य का अर्थ बिल्कुल नहीं बनता है, वो आपका क्या होता है, हेडवर्ड होता है। और अगला मैंने बताया था कि हेडवर्ड की विशेषता, जो एक शब्दों में बताता है हेडवर्ड से पहले लग करके, वह शब्द जो हेडवर्ड की विशेषता बताता है, कब, हेडवर्ड से पहले लग करके, वो भी एक शब्दों में, वो आपका क्या होता है, वो आपका एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव फ्रेज क्या होता है, जो वर्ड ऑफ ग्रुप, अर्थात ग्रुप ऑफ वर्ड में आपको बताए विशेषता, तो वो आपका क्या होगा, एडजेक्टिव और फ्रेज होगा। तो आइए हम देखते हैं, यहां देख रहे होंगे आप दैट, दैट क्या है आपका, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है। क्यों, क्योंकि ये संकेत कर रहा है कि दैट को मैंने फिक्स कर दिया, डिटरमाइनर जब वर्ड दैट सर्टिफाई द हेडवर्ड, हेडवर्ड को जो फिक्स कर देता है वही क्या होता है आपका, डिटरमाइनर। तो दैट अर्थात वह महिला, और कोई महिला नहीं है, यह महिला, वे महिलाएं, ये नहीं है, इसमें सर्टिफाई कर दिया, ये आपको फिक्स कर दे रहा है कि वह महिला है, तो ये फिक्स करने का काम कर रहा है, इसलिए ये आपका क्या होगा, तो ये आपका होगा डिटरमाइनर। डिटरमाइनर में कौन सा डिटरमाइनर, डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर।
अगला आपका ओमेन, ओमेन को हटा देंगे तो अर्थ नहीं निकलेगा, वह दौड़ता है यहाँ पे, कोई अर्थ यहाँ पे नहीं निकल रहा है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका जो ओमेन है वो आपका हो जाएगा हेड वर्ड। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगला आप लोग देखते ही बता दोगे, ध्यान दीजिए, मैंने बताया कि मेन वर्ब जहां से स्टार्ट होगा वो आपका क्या हो जाएगा, पूरा प्रेडिकेट, तो ये आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया, डांस क्या हो गया आपका, प्रेडिकेट हो गया, और यहां मैनी गर्ल ये आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट में देखिए जो मेनी है वो क्वांटिफायर डिटरमाइन रखते हैं, क्योंकि ये संख्या बताता है, क्या बता रहा है, संख्या, जो संख्या बताता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिफायर डिटरमाइनर, और ये आपका डीडी था अर्थात डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर, मैं स्टार्ट फॉर्म में सबको लिख रहा हूं। अगला आपका गर्ल्स के बिना अर्थ अनर्थ हो जाएगा, गर्ल्स के बिना कई नाचते हैं तो कोई अर्थ नहीं निकलता, कई लड़कियां नाचती हैं तो उसका अर्थ निकलता है, तो ये इसके बिना वाक्य का अर्थ अधूरा है, तो ये आपका क्या हो गया, हेड वर्ड या मेन वर्ड इसको कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, जहां से मेन वर्ड स्टार्ट हो वो पूरा क्या होगा आपका, प्रेडिकेट होगा, तो ये आपका हो गया प्रेडिकेट। आगे हम देखते हैं फ्यू हॉर्सेस बचा, ये आपका सब्जेक्ट है, जी हाँ बिल्कुल ये सब्जेक्ट है आपका, फ्यू जो है वो संख्या बता रहा है, अर्थात ये कौन सा डिटरमाइनर है, ये क्वांटिफायर डिटरमाइनर है। हॉर्सेज क्या, इसके बिना वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, तो हॉर्सेज क्या हो गया आपका, हेड वर्ड हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए डांस आपका ये क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, जी हाँ बहुत अच्छे से आप लोग कर पा रहे होंगे मुझे आशा है, तो डांस क्या हो गया, प्रेडिकेट हो गया। आगे देखते हैं द अगली गर्ल, अब इसमें तीन चीजें, इसमें कितनी चीजें हैं, तीन चीजें, इसको आपको देखना पड़ेगा। मैंने बताया था कि जितने भी आर्टिकल होते हैं सब्जेक्ट के अंतर्गत अगर वे आते हैं तो वो क्या होंगे, डिटरमाइनर, अर्थात ये जो द है ये आपका क्या हो गया, डिटरमाइनर, अर्थात आर्टिकल है, आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, डिटरमाइनर के अंतर्गत आ जाता है। अब इसमें देखेंगे अगली का मतलब होता है प्रूफ, प्रूफ क्या, किसी की विशेषता बताएगा, किसकी विशेषता बताएगा, गर्ल की, तो गर्ल तो इसमें हेडवर्ड है, क्योंकि अगर गर्ल को हटा देंगे तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। अब ध्यान दीजिएगा हेडवर्ड बनता कौन है, हेडवर्ड जो होता है आपका कोई ना कोई नाउन होगा या कोई ना कोई प्रोनाउन होगा, हेडवर्ड क्या हो सकता है, कोई ना कोई नाउन होगा या कोई ना कोई प्रोनाउन होगा, जीरेंड भी हो सकता है, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, इसी प्रकार के और कुछ होता नहीं, कोई एडजेक्टिव आपका हेडवर्ड नहीं हो सकता, कोई डिटरमाइनर आपका हेडवर्ड नहीं हो सकता, इसी को याद रखिएगा कि डिटरमाइनर हेडवर्ड नहीं हो सकता, एडजेक्टिव भी आपका हेडवर्ड नहीं हो सकता, हेडवर्ड कौन हो सकता है, केवल और केवल या तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा या तो आपका जीरेंड होगा या तो आपका होगा क्या, इन्फिनिटिव, ये चार चीजों के अलावा और कोई भी सब्जेक्ट के अंतर्गत हेडवर्ड नहीं हो सकता, किसको किसको छोड़ करके, नाउन प्रोनाउन और क्या आपको बताया मैंने, जीरेंड और क्या आपको बताया, इन्फिनिटिव। तो यहाँ पे गर्ल एक प्रकार की नाउन है तो डायरेक्टली ये क्या हो जाएगा, हेडवर्ड। अगली गर्ल की विशेषता बता तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दीज प्रेटी गर्ल्स प्ले, तो प्ले इसमें आप लोग जान रहे हो क्या है, ये प्रेडिकेट है। और आगे हम देखते हैं दीज प्रेटी गर्ल्स, इसमें तीन चीजें हैं, दीज जो आपका है संकेत दिखा रहा था ये सुंदर लड़कियां, तो संकेत दिखा रहा तो ये आपका हो गया डीडी, डीडी कहने का मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर। प्रेटी, प्रेटी क्या, किसी चीज की सुंदरता को बताया जा रहा है, अर्थात ये क्या होगा, एडजेक्टिव होगा, क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। और गर्ल्स क्या हो जाएगा बच्चों, गर्ल्स हो जाएगा हेडवर्ड हो जाएगा। तो आई होप आपको ये पांचों एक्सरसाइज बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आइए नेक्स्ट बात पे, छह नंबर में चलते हैं, कह रहा है कि द यंग मैन लव्ड, मैंने बताया जहां से आपका मेन वर्ब या हेल्प पहले किसको प्राथमिकता देते हैं, बार बार मैं इस चीज को बता रहा हूं, फोकस कर रहा हूं, याद रखिएगा कि पहले प्राथमिकता देते हैं हेल्पिंग वर्ब को, अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तब हम मेन वर्ब देखते हैं, हेल्पिंग वर्ब जहां से स्टार्ट होता है उसके आगे का सारा भाग क्या होगा, प्रेडिकेट, और उसके पीछे का सारा भाग क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। तो मेन वर्ब यहां से स्टार्ट हो गया तो मेन वर्ब ही आपका लव क्या हो गया, यह आपका हो गया क्या, प्रेडिकेट हो गया, ठीक, प्रेडिकेट। अब यहां पे देखना पड़ेगा कि द यंग मैन तीन चीजें सब्जेक्ट के अंतर्गत आती है, ये तीनों चीजें हैं क्या, कौन इसमें डिटरमाइनर, कौन इसमें एडजेक्टिव, कौन है आपका हेडवर्ड, आगे देखते हैं। द क्या है, आर्टिकल है, बताया मैंने आर्टिकल किसके अंतर्गत आता है, डिटरमाइनर। बात याद कर लीजिए, इस चीज को नोट कर लीजिए कि आर्टिकल अगर सब्जेक्ट के अंतर्गत आता है तो वो क्या होगा, वो कुछ नहीं होगा, केवल और केवल क्या होगा, डिटरमाइनर ही होगा। तो द आपका क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर, क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर। यंग क्या होगा, यंग का मतलब यहां पे छोटा, या फिर यंग का मतलब युवा भी हो सकता है, यंग का मतलब युवा होता है, तो युवा आपका किसी चीज की विशेषता को बताया, एडजेक्टिव हो गया, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
और आपका मैन क्या हो जाएगा, हेड वर्ब, क्योंकि मैन को हटाया तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैन आपका हेड वर्ब जाएगा। अगला देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा थोड़ा हम लोग स्टेप वाइज करके बढ़ते चलेंगे, थोड़ा सा हाई लेवल के भी करेंगे। तो यहाँ देखिए लिख रहा है कि अ ग्रीन बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे, सिटिंग ऑन द ट्री फ्लू अवे। ध्यान दीजिएगा, कभी भी आईएनजी फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है, अनुमति केवल एक ही वर्ब को है, वो कौन सा वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब का सेकंड फॉर्म ही, वर्ब का या तो फर्स्ट फॉर्म या तो वर्ब का सेकंड फॉर्म ये विदाउट हेल्पिंग वर्ब के आ सकता है, बाकी आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म इसके अंतर्गत एक गुण होता है कि आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आते हैं। तो ये हमारा इसमें का मेन वर्ब हो नहीं सकता, क्यों, क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म है और आईएनजी फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब नहीं आता है। अगला वर्ब हम देखेंगे फ्लू अवे, फ्लू सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वाला जो है वो विदाउट हेल्पिंग वर्ब आ सकता है, तो इसका मतलब मेन वर्ब हमारा यही होगा, सिटिंग मेन वर्ब ना होकर के मेन वर्ब हमारा क्या होगा, फ्लू, क्यों, क्योंकि आईएनजी फॉर्म कभी भी, याद रखिएगा, आईएनजी फॉर्म कभी भी विदाउट हेल्पिंग वर्ब किसी सेंटेंस में नहीं आएगा मेन वर्ब के रूप में। ध्यान दीजिएगा, अगर वो मेन वर्ब है, आईएनजी फॉर्म हमारे सेंटेंस में मेन वर्ब के रूप में प्रयोग किया जाए तो उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर होगा, ठीक। तो यहाँ पे आपका मेन वर्ड सिटिंग नहीं है, इसको छोड़ देते, आगे बढ़ते हैं, अंदर कोई मतलब नहीं इससे। फ्लू अवे यहीं से वर्ब स्टार्ट हो रहा है, ये आपका सेकंड फॉर्म है, ये आपका पूरा हो क्या जाएगा, ये पूरा आपका हो जाएगा क्या, प्रेडिकेट हो जाएगा फ्लू अवे। अब आगे देखिए चार चीजें बच रही है, अ ग्रीन बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री, अ ग्रीन बर्ड सिटिंग ऑन द ट्री। तो यहां एक एक करके निकालेंगे, मैंने बताया एक चीज तो फाइनल हो ही गया होगा, डिटरमाइनर के अंतर्गत आर्टिकल आते हैं, जो भी आर्टिकल होगा वो डिटरमाइनर होगा जरूर, तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया डिटरमाइनर, था ए आपका डिटरमाइनर, क्यों हो गया, क्योंकि ये आर्टिकल है। आगे देखते हैं ग्रीन बर्ड, ग्रीन बर्ड अर्थात चिड़िया है, लेकिन कैसी है वो, हरी है, चिड़िया कैसी है, हरी है, अर्थात हरे रंग में है, तो उसकी विशेषता ही तो है ना, और क्या हो सकता है, तो ये ग्रीन आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब उसके अगर वर्ड को हटा दे, किसको हटा दे, वर्ड को हटा दे, तो इस सेंटेंस का जो पूरा अर्थ है वही उड़ जाएगा, चिड़िया की बात ही छोड़ो, ये सेंटेंस का अर्थ ही उड़ जाएगा, सेंटेंस का अर्थ हमको समझ में नहीं आएगा, तो वर्ड को हटा देने से वर्ड सेंटेंस का अर्थ स्पष्ट नहीं हो रहा है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, हेलो वर्ड हो जाएगा। और ध्यान दीजिए चिड़िया कैसे बैठी हुई है, पेड़ पर बैठी हुई है, फ्रेज के रूप में, विशेषता क्या है कि जो हरी चिड़िया है वो कहां बैठी है, पेड़ पर बैठी हुई है, अवस्था भी दिखाता है, एडजेक्टिव फ्रेज किसको दिखाता है, कंडीशंस को भी अप्लाई करता है, तो ये सिटिंग ऑन द ट्री आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज, क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव फ्रेज हो जाएगा। अगला सेंटेंस, आइए आपको ये सेंटेंस समझ आएगा, उसी तरह से एक और आइए देखते हैं, द ओल्ड मैन इन द लॉन, द ओल्ड मैन इन द लॉन इज वाइज। ध्यान देते हैं हेल्पिंग वर्ब कहीं आपको दिख रहा है पूरा सेंटेंस में, जी हाँ हमको तो दिख गया, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब इज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद का जितना भी सारा कुछ होगा वो क्या होगा, वो आपका होगा क्या, प्रेडिकेट, तो ये हम लिख देंगे इज वाइज, ये आपका क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट। अब आगे हम देखते हैं जो बचेगा वो हमारा सब्जेक्ट हुआ, तो द ओल्ड मैन इन द लॉन ये आपका सब्जेक्ट हुआ, जिसमें से द आर्टिकल है, तो ये सीधे तरीके से क्या हो जाएगा, डिटरमाइनर, कोई भी आर्टिकल डिटरमाइनर होगा जरूर, ओल्ड बूढ़ा है भाई, बूढ़ा किसी चीज की विशेषता हो सकती है ना, तो ये व्यक्ति की विशेषता बता रहा है कि वो बूढ़ा है, तो ये हो जाएगा क्या, एडजेक्टिव हो जाएगा, और मैन आपका हेड वर्ड होगा, इन द लॉन आपका, जी हाँ बहुत सही समझ गए, एडजेक्टिव फ्रेज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, His younger sister in Mumbai is a professor. Helping verb दिखा? जी हाँ जरूर दिख गया, ये दिख गया helping verb है, तो helping verb यहाँ से start हो रहा है, ये पूरा आपका क्या हो जाएगा? Predicate हो जाएगा। आगे देखते हैं, His younger sister in Mumbai, तो his इसमें क्या हो गया? Possessive case दिखा रहा, अर्थात ये आपका भी क्या होगा? Determiner, अर्थात possessive case के अंतर्गत अगर subject में कोई चीजें आती हैं, तो वो भी क्या होंगी आपके? Determiner होंगी, मैंने आपको वीडियो में बता दिया। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस नहीं देखी है सेंटेंस पार्ट का, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, उसको ओपन कीजिए और देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ आएगा कि ये जो मैं करवा रहा हूं ना, ये मुझे करवाना नहीं पड़ेगा, आप खुद ब खुद एक एक चीज को आप बता सकते हो कि ये क्या है। तो वीडियो को देखना मत भूलिए, बहुत अच्छे तरीके से बताया गया। आइए टॉपिक पे आते हैं, हिज आपका क्या होगा, अभी मैंने बताया
कि ये क्या है पोसेसिव केस के अंतर्गत आता, इसलिए आपका क्या हो जाएगा डिटरमाइनर। यंगर अर्थात छोटी बहना है तो यहाँ पे छोटी है, इसका मतलब उसकी विशेषता ये है कि वो छोटी है, तो ये आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिव हो जाएगा। सिस्टर आपका क्या, सिस्टर को हटा देंगे तो वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होगा, तो सिस्टर क्या हो गया ये आपका हेडवर्ड हो जाएगा। इन मुंबई, मुंबई में है तो उसकी विशेषता है, कोई दिल्ली में है तो उसकी विशेषता, भाई अगर मैं दिल्ली में होता तो मेरी विशेषता होता यहाँ पर दिल्ली से पढ़ा रहा हूँ, मैं कहीं और हूँ तो मेरी विशेषता कहीं और की है, तो उसी तरह से सिस्टर जो है वो मुंबई में, इसकी विशेषता है कि वो मुंबई में, तो ये आपका क्या हो जाएगा एडजेक्टिवल फ्रेज हो जाएगा। आगे आप जान ही रहोगे। नेक्स्ट सेंटेंस, दसवां सेंटेंस में देखते हैं, सीइंग इज बिलीविंग, सीइंग इज बिलीविंग अर्थात देखना ही क्या है विश्वास करना है, तो यहां देखते हैं हेल्पिंग वाला आपको दिखा, जी हमको दिख गया इज बिलीविंग, ये पूरा क्या हो गया आप मुझे बताओगे प्रेडिकेट हो गया, ये क्या हो गया आपका प्रेडिकेट हो गया। और आगे देखते हैं ये आपका जो सीइंग है, सीइंग क्या दिखा रहा है, सीइंग को हटा देंगे तो इज बिलीविंग से कोई सेंटेंस बनेगा जी नहीं बन पाएगा, तो सीइंग आपका क्या हो जाएगा हेड वर्ड हो जाएगा। मैंने अभी अभी आपको कुछ देर पहले ही बताया था, तो रखवाने ख्याला तो मेरे जाइए अपने आपको, मैंने अभी बताया था कि चार ही चीजें हेडवर्ड के अंतर्गत आ सकती है, क्या क्या, या तो कोई नाउन होगा, या तो कोई प्रोनाउन होगा, या तो कोई जीरेंड होगा, या तो कोई इन्फिनिटिव होगा। तो ये देखिए क्या है आपका जीरेंड ही तो है, तो ये किसके रूप में आ गया, ये आपका आ गया किसके रूप में, ये हेडवर्ड के रूप में आ गया। अब इन्फिनिटिव कैसे आ सकता है, जैसे टू वॉक, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, तो टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं इस चीज को, तो टू वॉक इसमें आपका क्या है इन्फिनिटिव, लेकिन किसके रूप में प्रयोग किया गया, एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया, सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट होगा ये हेडवर्ड, क्योंकि टू वॉक को हटा देंगे तो आगे का सेंटेंस क्लियर नहीं होगा। तो टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज में टू वॉक क्या है आपका इन्फिनिटिव है, लेकिन प्रयोग किसके रूप में किया गया सब्जेक्ट के रूप में किया गया, इसलिए आपका सब्जेक्ट के अंतर्गत कौन सा पार्ट है ये सब्जेक्ट के अंतर्गत आपका हेडवर्ड है, क्योंकि टू वॉक को हटाएंगे सेंटेंस का अर्थ क्लियर नहीं होगा। इसी तरह से सीइंग इज बिलीविंग में सीइंग आपका हेडवर्ड है, क्योंकि सीइंग को हटा देने से आगे का अर्थ बनेगा नहीं। तो इस तरह से आपने देखा कि दसों का हमने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सरसाइज कर लिया, मैंने देख लिया यहाँ पे कि कौन सा इसमें डिटरमाइनर है, कौन सा हेडवर्ड है, कौन सा प्रेडिकेट है, कौन सा आपका एडजेक्टिव और फ्रेज है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। आइए आप अगली एक्सरसाइज करते हैं, तब तक आप लोग अगर इसको नोट करना चाहे, अपना मिलाना चाहे तो आप लोग कर लीजिए, स्क्रीन बोर्ड पे आपको 2-3 सेकंड तक ये दिख ही जाएगा, देखिए इसको, टेक योर टाइम प्लीज। आइए, अभी तक हमने क्या देखा कि हमने सब्जेक्ट्स के बारे में अध्ययन किया, सब्जेक्ट के बारे में अभ्यास किया कि सब्जेक्ट के क्या क्या पार्ट हो सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिव वर्ब फ्रेज के बारे में। अब आइए हम प्रेडिकेट के बारे में जान लेते हैं। प्रेडिकेट में कुल 3 चीजें होती है, वर्ब आपका होता है और क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट होगा और क्या होगा कंप्लीमेंट होगा। तो वर्ब के अंतर्गत 2 चीजें आ सकती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब आ सकता है, इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया, आप उसको देख लीजिएगा। और ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। कंप्लीमेंट्स आपको मैंने 3 प्रकार के बताया, और भी होते हैं लेकिन 3 प्रकार मुख्य होते हैं, क्या क्या, सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट और वर्ब कंप्लीमेंट। तो आइए इन चीजों को हम जानेंगे कि सेंटेंस में कहां है आपका मेन वर्ब, कहां है आपका ऑब्जेक्ट, कहां है आपका कंप्लीमेंट। पहला सेंटेंस लिख रहा है कि द पेरेंट्स सेट द चिल्ड्रन फ्री। पेरेंट्स अर्थात माता पिता ने सेट द चिल्ड्रन अर्थात बच्चों को कर दिया फ्री, का मतलब स्वतंत्र, आजाद कर दिया बच्चों को, आजाद कर दिया। आजाद करना एक प्रकार की क्रिया, एक्शन हो रहा कि नहीं हो रहा, तो ये आपका क्या जाएगा मेन वर्ब। इससे पहले हम इसमें सब्जेक्ट प्रेडिकेट को अलग कर देते हैं, जहां से अभी मैंने कुछ देर पहले ही आपको बताया था कि जहां से आपका हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब स्टार्ट हो उसके बाद का सारा क्या हो जाएगा प्रेडिकेट। तो इसमें प्रेडिकेट क्या है, मैं जो प्रेडिकेट होगा उसको मैं ब्लू इंक से इसको अंडरलाइन कर दूंगा केवल बस। तो यहां पे आपका सेट द चिल्ड्रन फ्री, ये आपका क्या हो गया प्रेडिकेट हो गया। आगे का क्या इधर सब्जेक्ट है, हमें सब्जेक्ट से नहीं मतलब है। यहां देखते हैं प्रेडिकेट में कौन कौन सा पार्ट है, आजाद करना, यहाँ पे जो सेट यहाँ पे आया है ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया क्या मेन वर्ब हो गया। ठीक, अब बच्चों को आजाद किया तो क्या बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जी हाँ जरूर बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा। जब बच्चों को आजाद किया जाएगा तो बच्चों पर प्रभाव पड़ेगा, और प्रभाव पड़ता है सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव। याद रखिए, सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव जब अदर वर्ड पर पड़े तो वो क्या होगा ऑब्जेक्ट, और ना पड़े तो वो आपका क्या हो जाएगा कंप्लीमेंट होगा। तो ध्यान दीजिए यहां पे बच्चों को क्या किया गया आजाद, तो बच्चों पर प्रभाव पड़ रहा है, तो बच्चे यहां पे द चिल्ड्रन आपके क्या हो गए, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट।
क्या हो गया ऑब्जेक्ट। अच्छा बच्चों को आजाद किया गया तो प्रभाव कैसा पड़ेगा, इनडायरेक्टली पड़ेगा ना, उनके अंदर की चीजें में बदलाव आएगा, वो जो क्रियाकलाप करते थे वो बदलाव आएगा। ठीक, ऐसा तो नहीं कि बच्चों को आजाद करने उनका थोबड़ा बिगड़ जाएगा, ठीक उनके हाथ कट जाएगा, उनके पैर। अगर प्रत्यक्ष हमको कोई बदलाव नहीं दिखने वाला, आप प्रत्यक्ष ही बदलाव हमको दिखने वाला है, तो आप प्रत्यक्ष रूप से जब प्रभाव पड़ रहा है तो ये आपका क्या हो जाएगा, कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा? जी हाँ, ये आपका हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आईओ, मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूँ, आई ओ। फ्री किया गया, किसको फ्री कर दिया गया? बच्चों को फ्री कर दिया गया। ठीक, तो ये फ्री पे कोई प्रभाव पड़ रहा है? जी नहीं, प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भूचाल आने वाला, समझिए आप लोग जो अभी तक पढ़े होंगे उसमें से आपको कुछ लगेगा कि हमने कुछ गलत पढ़ा था। देखिए सेंटेंस क्या है, ही कॉल्ड मी अ वेगर, ही कॉल्ड मी अ वेगर, ही देखिए कॉल्ड मी अ वेगर। अब कॉल्ड मी अ वेगर आपने पहचान लिया होगा कि आपका क्या है, प्रेडिकेट है। कॉल्ड आपका क्या हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा, बुलाना, और मी मुझे बुलाया है, कोई मुझे बुलाएगा तो मुझ पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, मुझे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? जी हाँ, मुझ पर प्रभाव पड़ेगा, तो मी पर प्रभाव पड़ रहा है, तो इसलिए आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या बेगर पे प्रभाव पड़ रहा है? उसने मुझे एक भिखारी बुलाया, तो क्या कोई भिखारी दौड़ता हुआ आ जाएगा, मुझे बुलाया भिखारी ने, तो मैं ही जाऊंगा। अगर प्रभाव मेरे ऊपर पड़ेगा, किसी अन्य के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो बेगर पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? जी नहीं पड़ रहा है। अक्सर इसको हम लोग बोल देते हैं ऑब्जेक्ट हमारा, लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं, ये क्या है आपका, कॉम्प्लीमेंट है। तो ये बेगर पे प्रभाव नहीं पड़ा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। याद रखिएगा, जिस पे प्रभाव पड़े वही आपका ऑब्जेक्ट होगा, जिस पे प्रभाव ना पड़े वो आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट हुआ मी, और ये आपका क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला देखते हैं, ही फाउंड हिज रिलेटिव सेल्फिश, ही फाउंड अर्थात उन्होंने पाया, हिज रिलेटिव किसको पाया भाई, अपने रिश्तेदारों को पाया, अपने रिश्तेदारों को पाया, तो इन पर तो प्रभाव पड़ेगा ना, इनको पा रहे हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ये फाउंड आपका मेन वर्ब हो गया। और सेल्फिश, सेल्फिश यानी कि स्वार्थी पाया, तो क्या है, स्वार्थी पर कोई ये वस्तु है या कोई चीज है कि इस पे प्रभाव पड़ेगा, इस पे तो प्रभाव कोई नहीं पड़ेगा, सेल्फिश क्या है, ये अंदर का एक प्रकार का अवस्टेट नाउंस है, तो इस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जी नहीं, इस पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, इसलिए क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आगे देखते हैं, महेश इज हैप्पी, महेश खुश है, महेश खुश है, तो क्या इस खुशी पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, खुशी पर कोई प्रभाव पड़ रहा है, जी नहीं पड़ रहा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट, और इच क्या हो गया आपका, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ये इसको लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब बोलते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट से अगर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट से जुड़ रहा है, उसके बीच में कोई वर्ब प्रयोग किया जाएगा, तो वो आपका क्या होता है, लिंकिंग वर्ब। मैं वर्ब के वीडियो में इस चीज को आपको क्लियर कर दूंगा, अभी के लिए आप जानिए इतना ही कि केवल अगर सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट के बीच में कोई भी आपका वर्ब आता है, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा, वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है, ये लिंकिंग वर्ब होगा। आगे देखते हैं, दे सिलेक्टेड हिम द कैप्टन ऑफ द टीम, दे सिलेक्टेड, सिलेक्टेड से लेकर के सारा आपका क्या हो जाएगा, क्या, प्रेडिकेट। हमने एक चीज को पहचान लिया कि प्रेडिकेट कैसे क्या होते हैं। अब आगे सिलेक्टेड आपका क्या है, ये मेन वर्ब है। आगे हिम, उसे सिलेक्ट किया, जिसे सिलेक्ट किया उस पर प्रभाव पड़ेगा, प्रभाव ही था तभी तो सिलेक्ट कर पाया, उसे सिलेक्ट किया गया तो उस पर प्रभाव पड़ा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। और कैप्टन सुना है, तो किसी भी पदवी पर प्रभाव नहीं पड़ता, उस पद पर आसीन व्यक्ति पर प्रभाव पड़ता है। याद रखिएगा, किसी भी रैंक या पोस्ट पर प्रभाव नहीं पड़ता, उस रैंक या पोस्ट पर जो व्यक्ति आसीन होता है उसी पर कोई प्रभाव पड़ सकता है, तो ये कैप्टन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि रैंक ऑफ द नेम है, तो ये आपका रैंक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ही गेव मी अ बुक, ही गेव मी अ बुक, ही अर्थात उसने, गेव का मतलब दिया, मी का मतलब मुझे, अ बुक का मतलब किताब, उसने मुझे किताब दिया। तो सबसे पहले एक चीज तो क्लियर हो ही गई कि यहाँ पे गेव मी अ बुक ये आपका क्या है, ये आपका प्रेडिकेट है, गेव आपका देना है, अर्थात ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया प्रो, ये आपका हो गया मेन वर्ब, क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। अब आगे देखिए, मुझे दिया, कोई व्यक्ति आपको कुछ देगा तो आपके प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जी हाँ पड़ेगा, और कैसा प्रभाव पड़ेगा, इनडायरेक्टली पड़ेगा, हम डायरेक्टली कोई प्रभाव नहीं देख पाएंगे, हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इनडायरेक्टली। तो यहाँ पे मी आपका कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब कोई बुक दे रहा तो बुक पर भी प्रभाव पड़ रहा है, एक हाथ से बुक दूसरे हाथ में जा रही है तो प्रभाव तो पड़ ही रहा ना भाई, तो ये बुक पे भी प्रभाव पड़ रहा है, तो बुक एक जगह से दूसरे जगह पे जा रहा, ट्रांसफर हो रहा, तो इस पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, तो ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, ये आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, डीओ। सी कुक्स द फूड, उसने वह खाना बनाती
है। तो cooks the food, इसके बाद का सारा क्या हो गया, ये आपका predicate हो गया। अब cooks क्या है, बनाना, ये क्या action को दिखा रहा है, तो आपका main verb हो गया। The food, खाना बना रही है, तो खाने पे प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जी हाँ प्रभाव पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। भाई खाना बनाया जा रहा है, तो खाना किस तरह से हम बना रहे हैं, कैसे बनाते हैं, भाई दाल चावल रहता कच्चा रहता है, उसको बनाते तो पक गया था, तो प्रभाव तो पड़ रहा है ना, तो प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। माय मदर राइट्स मी अ लेटर, माय मदर था मेरी माँ ने, लिम्मी का मतलब मुझे लिखा, अ लेटर का मतलब एक पत्र। तो यहाँ राइट्स मी अ लेटर, ये पूरा आपका प्रेडिकेट होगा, इस चीज को आप जानेंगे। प्रेडिकेट में कौन कौन से भाग है, राइट्स बच्चा, बच्चा जान रहा है कि ये क्या है आपका मेन वर्ब है, क्या है आपका मेन वर्ब है, मी मुझे लिखा है, तो भाई हम तो खुश होंगे ना, कोई आपके ऊपर शायरी बोले तो आप खुश नहीं होंगे, कोई आपको बहुत अच्छा बोले तो आप खुश नहीं होंगे, जी आप खुश होंगे। उसी तरह से मुझे कोई लेटर लिख रहा तो मैं क्यों नहीं खुश होऊंगा, भाई आजकल की बात ही अलग है, भाई लेटर कोई आ जाए तो बहुत अच्छे से खुश हो जाएंगे, और भी ज्यादा खुश हो जाएंगे। तो यहाँ मी आपका क्या हो जाएगा, ये आपका मी पे प्रभाव पड़ रहा है, किसके लिखने का, लेटर लिखने का, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस पे इनडायरेक्टली प्रभाव पड़ेगा, लेटर लिखा जा रहा है तो कोई काम हो रहा है तो लिखा जाएगा, तो उसमें कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा ना, जिस चीज पे हम लिख रहे हैं कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा, तो लेटर भी आपका ऑब्जेक्ट होगा, लेकिन कौन सा ऑब्जेक्ट होगा, डी अर्थात डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। दिस न्यूज मेड हिम सैड, बड़ी दुख की बात है, दिस न्यूज मेड हिम सैड, इसमें हम देखते हैं इसमें क्या आपका क्या कुछ दिया गया, मेड हिम सैड ये प्रेडिकेट हो गया, आपको पता होगा क्योंकि यहाँ से मेन वर्ब स्टार्ट हो रहा है, तो मेड आपका तो मेन वर्ब हो गया, हमको क्लियर क्या करना है इसमें से, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट। सैड कौन हुआ, हिम हुआ, प्रभाव किस पर पड़ा, हिम पर पड़ा, तो न्यूज का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हिम पर, अर्थात सब्जेक्ट का प्रभाव हिम पे पड़ रहा है, तो हिम आपका ऑब्जेक्ट होगा, क्या सैड पर कोई प्रभाव पड़ा, सैड और ज्यादा सैड हो जाएगा, जी नहीं, सैड और ज्यादा सैड थोड़ी ना होगा, ये सैड पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, केवल हिम पे प्रभाव। दिस न्यूज मैड हिम सैड, था इस समाचार ने उसे दुखी कर दिया, तो दुख पर कोई प्रभाव पड़ेगा, नहीं, दुख पर कोई चीज प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये कोई वस्तु नहीं है, ये कोई व्यक्ति नहीं है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, अब्स्ट्रैक्ट नाउंस है तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। सर बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्स में कौन सा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, ये आपका वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, मेड हिम सैड ना, तो यहाँ पे दुखी करने का काम हो रहा है, ये आपका कौन सा कॉम्प्लीमेंट होगा, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, क्यों, क्योंकि ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अंतिम देख लेते हैं, जज फाउंड हिम गिल्टी, जज का न्यायाधीश ने फाउंड का मतलब पाया, हिम का मतलब उसे, गिल्टी का मतलब अपराधी, तो किसी व्यक्ति को अगर अपराधी पाया जाएगा, किसी को हम डायरेक्टली आरोप लगाए कि तुम अपराधी हो, तुम अपराधी हो, तो क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जी हाँ प्रभाव पड़ेगा, जज ने उसे अपराधी कहा तो उस पर तो प्रभाव पड़ेगा, तो हिम आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट में कौन सा ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और गिल्टी ये अपराधी, इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। फाउंड क्या हो जाएगा आपका, मेन वर्ब, जज आपका सब्जेक्ट है, ये यहां पे द न्यूज़ सब्जेक्ट है। तो इस तरह से आपने देखा कि किस तरह से हमने प्रेडिकेट्स के पार्ट को अलग किया, उसके बारे में समझा, जाना, और हमने एक्सरसाइज किया, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से यह समझ में आएगा, आप दो पल के लिए इसको नोट भी कर सकते हैं अगर आपको समझ में आ रहा हो, टेक योर टाइम प्लीज। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को किस तरह से हम अलग अलग भागों में बांटते हैं और कैसे हम पहचानते हैं, इससे संबंधित मैंने आपको 20 महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट आपको मैंने एक्सरसाइज कराई। तो आइए जो आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूं, इसके बाद मैं आपको पढ़ाने वाला हूं नाउन के बारे में, पार्ट ऑफ स्पीच की क्लास स्टार्ट करने वाले, जिसके अंतर्गत आपको नाउन से लेकर के इंटरजेक्शन तक सारी चीजें आपको बताई जाएंगी बहुत ही विस्तृत रूप से, फंक्शनल ग्रामर के तहत। आपको ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप कभी भी नहीं भूलोगे। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मेरे पास है कि अक्सर हम लोग देख करके बता देते हैं कि कौन नाउन है, कौन आपका क्या है, एडजेक्टिव है, कौन आपका प्रोनाउन है, लेकिन यहां पे आपको यह ध्यान देना है, जैसे एक सेंटेंस में लिख रहा हूं कि ही इज गोइंग टू हाउस, ही इज गोइंग टू हाउस, एक सेंटेंस और है दिस इज हाउस, या घर है वह घर जा रहा है, तो दोनों जगह पे हाउस आया है, इन दोनों सेंटेंस में, इन दोनों सेंटेंस में एक आपका नाउन है और एक नाउन नहीं है, तो वो क्या है,
कैसे होता है, नाउन फॉर्म आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तो जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए कि इन दोनों सेंटेंस में कौन नाउन है कौन नाउन नहीं है। अगर आपको आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि सेंटेंस नंबर, मैं इसको नाम भी देता हूं, सेंटेंस नंबर एक में नाउन है या सेंटेंस नंबर दो में नाउन है। तो बताइएगा, अगर आपको आता है जरूर बताइए, और नहीं आता तो ये सारी जानकारी, इन सारी चीजों का कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करने वाला हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है, और आपको मैं बता दूं कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो आप कृपया करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, और साथ ही साथ में इस वीडियो को शेयर भी कीजिए जिससे कि और सारे लोग भी इसको देख सके। और अभी तक अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ वीडियो की एंडिंग होती है, अंत तक वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।